स्टूडेंट्स uh, जब हमने जैसे मैंने डेटा रेंगलिंग की एग्ज़ाम्पल दी थी आपको तो डमेंशन एंड मयर्स हम वहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटा रेंगलिंग के अंदर हमने जो डायमेंशन और मयर्स की जो डिफरेंट एग्जाम्पल थी उसको हम थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से आपको हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि राइट फ्राम द सोर्स सिस्टम जहाँ से आपका डेटा आ रहा है डेटा की प्री प्रोसेसिंग और फिर उसके अंदर जो ट्रांसफार्मेशन एचमेंट कम्प्लीटनेस क्वालिटी कंट्रोल ये जो सारे पैरामीटर हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ क्योंकि हम वो जो देखिए इसके अंदर ना डिफरेंट एंगल हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के तो दैट्स वाई आई एम स्लाइटली जो रिडक्शन के अंदर इसको भी यूज़ कर रहा हूँ कि जो आपका रेंगलिंग का कॉन्सेप्ट है उसको इसके साथ अगर आप लेके चलेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन है देखिए कि हमने वी हैव गॉन थ्रू एस क्यू एल डाटा बेसिस जब आपके पास एस क्यू एल के डाटा बेस होंगे तो आप जो रिडक्शन है उसको और तरह से हैंडल करेंगे अगर आपके पास इमेज का डाटा है फ़र्ज़ करें वॉइस का डाटा है या कोई और आपके पास आईओटी का डाटा सेंसर्स का डाटा है तो उसको आप और तरह से हैंडल करते हैं एंड वी आल्सो लर्न के नॉर्मली अब लोग बहुत ज़्यादा नो no एस की बात करते हैं अनस्ट्रक्चर डाटा की बात करते हैं एट द सेम टाइम फॉर बिजनेस डिसीजन मेकरज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एस को वी कैन नॉट इग्नोर इट इसी तरह जो बहुत सारी आपकी बिजनेस एप्लीकेशनज़ हैं दे ऑल हैव यू नो स्ट्रक्चर्ड डेटा बेस उनको यूज़ करते हैं तो इसलिए दोनों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है सो दैट्स वाई आई एम जस्ट रेफरिंग अगेन टू द रेंगलिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपका स्ट्रक्चर डाटा है उसके अंदर आपने इसको किस तरह से करना है और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर मोस्टली ये जो हमारे इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो ऐसे हैं जो कि हम यूज़ करेंगे स्पेशली जो स्टेटिस्टिकल या अल्जब्रा के एल्गोदम्स हैं तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं उसमें जब आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड या वॉइस का या इमेजेस का इस तरह का डाटा बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा भी अवेलेबल होगा एंड एज़ डेटा साइंटिस्ट बहुत सारी सिचुएशन में आपने उस डाटा को भी हैंडल करना है और वहाँ पर नॉर्मली आपको ये वाली टेक्निक्स यूज़ करने की मोस्ट सिंपल टेक्नीक जो हमने रेंगलिंग में यूज़ की थी उनको यूज़ करते हुए आप उसको परफॉर्म कर सकेंगे जस्ट बेस्ड ऑन योर जजमेंट आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि वो जब आपके पास डेटा सेट आता है एक चीज़ आप प्रिपेयर करते हैं जिसे कहते हैं डेटा डिक्शनरी उसके या मेटा डाटा भी आप उसको कहते हैं तो वो बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कि आपके पास किस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है उसका सोर्स क्या है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरा एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है एनालिटिक्स में नॉर्मली नॉट नॉर्मली रदर आई वुड से इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट जब आप फर्स्ट टाइम डेटा का एनालिसिस करते हैं तो जो डेटा साइंटिस्ट है इट्स पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो डेटा डिक्शनरी प्रिपेयर करें और मे बी वन ऑफ़ योर टीम मेम्बर्स विल डू इट एंड यू विल डेवेल्प अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि जो प्रोजेक्ट के अंदर जो डेटा सेट आपका टारगेट डाटा सेट है या सोर्स डाटा सेट है उसके अंदर तो जो डिफरेंट डायमेंशंस और जो मैयर्स हैं उनकी क्या डेफिनेशन है और उनको आप जो क्यूब का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कि वन डाटा यू कैन लुक एट इट विद सिक्स डिफरेंट डायमेंशन और फिर जब आप इसको डी नॉर्मलाइज करते हैं या उसके एस क्यू एल से निकल के देखते हैं तो यहाँ जब आप उसको डिफरेंट टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं तो यू कैन हैव इवन मैनी मैनी मोर डायमेंशंस जहाँ पे फिर आपका स्टार स्कीमा या स्नो फ्लिक इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है दे कमिंग टू पिक्चर अब ये एक डेटा सेट है जिसके अंदर नाम रोल सैलरी एज ये डिफरेंट ये बेसिकली देखिए ये जो डिफरेंट आपके पैरामीटर्स हैं ये आप इनको यू कैन कंसिडर दिस योर डायमेंशन और ये जो इसकी रोज़ में जो वैल्यूज़ हैं दीज इसकी बेस ये आपकी डाटा और इसके ऊपर जब आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो दैट विल बिकम योर मैयर अब अगर मैं जो सैलरी की ब्रैकेट अगर आपने कैलकुलेट करनी है या फिर आप इस तरह के आपके पास चैलेंजेस आते हैं कि आपने जो एज ग्रुप और सैलरी को लोग कंपेयर करते हैं या उसको एक्सपीरियंस के साथ बिल्डिंग करते हैं तो बेस्ड ऑन दिस इसमें सिटी है स्टेट है जॉइनिंग डेट है ये एक जस्ट एक सैम्पल डाटा सेट है तो जब आपने इसको देखा तो देन और अब आपको ये पता कि आप इससे करना क्या चाहते हैं तो अब इसमें हम देखें तो हमारे पास नंबर्स हैं और टेक्स्ट है और ब्रॉडली स्पीकिंग जो नंबर्स हैं दे आर योर मैय और जो टेक्स्ट है या लेबल्स हैं दीज आर योर डायमेंशंस जब आप इसमें देखें कि हमारे पास इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है कि जो नंबर्स हैं वो आपके पास कहाँ कहाँ पे हैं और आपके पास इवन जो ये जो डेट है इट इज़ बोथ जब डेटा वगैरह पढ़ेंगे ना एक्वल तो उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं उसके अंदर डेट होती है वेरिएबल करेक्टर वार चार उसको कहते हैं और कई डिफरेंट जो आपके पास ना इवन एक्सेल में भी आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि, कि कोई एक जो कॉलम जब आप होता है आप उसकी कोई टाइप सेलेक्ट या फिक्स कर सकते हैं तो बेसिकली ये जो डेट है इट इज़ बोथ नंबर एंड लेबल क्योंकि इसके इसकी बेस पे आप किसी की एज कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस तरह का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है और ये बाकी जो ये आपके पास लेबल्स हैं सारे ये टेक्स्ट है अब जो जेंडर है वी नो कि ये एक आपका क्वालिटी है एक एट्रीब्यूट है जिसको आप यस yes, या नो मेल या फीमेल में कर सकते हैं वी कैन नॉट मैर इट इन टर्म ऑफ नंबर्स इसी तरह ये नाम है और रोल है अब हमने ये डेट का मैंने आपको बता दिया कि जो तीसरा का डेट क्या चीज़ है ये नंबर भी है और ये आपका लेबल भी है ये टेक्स्ट भी है तो ये बेसिकली आप इसमें ये देखिए कि ये किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं अगर आपने अब देखें कि आपने सिर्फ ये देखना फ़र्ज़ करें कि जी किसी एक ख़ास एरिए से कितने लोग आते हैं या आपकी टीम में या आपका जो डाटा उसमें किसी एक एरिए के कितने लोग हैं तो यू कैन सिंपली आपने सिर्फ़ सिटी सेलेक्ट करना है आपको स्टेट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या आपको फिर जेंडर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप कोई ऐसा उससे डिसीजन करना है विच मे बी रिलेटेड टू दी फैसिलिटीज़ या फर्ज़ करो लीव की एग्जांपल है बड़ी ज़बरदस्त एक कि मटर्निटी लीव है फ़र्ज़ करें तो दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द फीमेल नॉट टू द मेल राइट इस तरह और कई चीज़ें हैं जो सैलरी ब्रैकेट्स को आप एनालाइज करते हैं आप डिफरेंट चीज़ों को जब एनालाइज करते हैं तो बेस्ड ऑन दैट फिर आप इसको कर सकते हैं तो वट वी हैव अंडरस्टूड इज़ के बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्रॉब्लम आप जो डिफरेंट जो आपके डायमेंशनज हैं या मैर्स हैं आप उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने डाटा सेट से एंड अकॉर्डिंगली फिर आप जो अपना जो है वो जो पूरा इसका डायमेंशनस और इनकी जो रिडक्शन का जो काम है उसको प्लान करते हैं एंड देन यू एग्जीक्यूट इट